और जनपद रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वे केदारनाथ धाम ना जाएं। वहीं आज केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी के चलते यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रोका गया है, जिससे पैदल मार्ग एवं धाम में लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। रुद्रप्रयाग उप पुलिस अधीक्षक प्रबोध कुमार घिडियान ने मुख्यालय स्थित जबाड़ी बाईपास पर विशेष अभियान के तहत यात्रियों को केदारनाथ धाम की जमीनी स्थिति के बारे में अवगत करवाया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि फिलहाल आगे ना आए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल निगे की रिपोर्ट। केदारनाथ की यात्रा को रोका जा रहा है, रोका गया है और मैं जो यहाँ के बाहर से यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि ये यहीं पे नज़दीक पे जहाँ पे उनको जगह मिलती वहाँ पे अब विश्राम करें और आगे जाने का प्रयास न करें। अभी लगभग 20,000 यात्री हमारे रुद्रप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड रुके हुए।